Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, I am Abdurrahman Sheikh, Master Girls High School, Virgam. Assalamualaikum to all of you. Our today's 10th class English topic is, once again, Grammar, Part 3, in which we have some given sentences, and in each sentences there are two given words in brackets, and we have to choose one appropriate word to correct our given sentence. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. आज का जो हमारा 10वीं जमात का इंग्लिश क्लास है, इसमें एक बार फिर इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक हमारे पास दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं. हर एक सेंटेंस में दो वर्ड्स दिए गए हैं जो कि डिफरेंट स्पेलिंग्स रखते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स के हैं, लेकिन इनकी साउंड एक जैसी है. आई मीन दीज टू वर्ड्स हैव सेम साउंड. तो हमें इन दो वर्ड्स में से एक वर्ड चुनना है जो हमारे दिए गए इस सेंटेंस की मीनिंग मुकम्मल कर सके. तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन. चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. तो हमें सवाल के मुताबिक करेक्ट वर्ड चूज करना है ताकि हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाए. तो पहला सेंटेंस है, व्हेन वायर यू बॉर्न, बी ओ आर एन बॉर्न, बी ओ आर एन ई बॉर्न. यहां पे देखना है हमें कौन सा बॉर्न लगेगा. नंबर टू, आई हैव बॉर्न, बी ओ आर एन ई बॉर्न, बी ओ आर एन बॉर्न, मेनी डिफिकल्टीज. नंबर थ्री, शी हैज गॉन फॉर ब्राइडल, बी आर आई डी ए एल एंड बी आर आई डी एल ई, ब्राइडल, मेकअप. तो यहां पे चूज करना है कौन सा वर्ड हमें यहां पे फिट करना है इस सेंटेंस में. नंबर फोर, कैन यू ब्राइडल ब्राइडल दिस हॉर्स. नंबर फाइव, व्हाट इज योर डेट ऑफ बी आई आर टी एच बर्थ ओब्लिक बी ई आर टी एच बर्थ. एंड नंबर सिक्स, आई गॉट ए बर्थ बर्थ इन द ट्रेन. तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपना आंसर लिखेंगे और हम अपने आंसर में हर सेंटेंस के लिए करेक्ट वर्ड चूज करेंगे और अपने सेंटेंस को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे. तो आइए देखते हैं. पहला सेंटेंस है हमारे पास, व्हेन वायर यू डैश डैश, तो यहां पे बी ओ आर एन बॉर्न लगेगा नंबर वन में, यानी ये बॉर्न नंबर वन में लगेगा. तो लगाया हमने When were you born? यानी आप कब पैदा हुए. नंबर टू, I have born born many difficulties. तो यहां पे लगेगा ये born, B O R N E born, नंबर टू सेंटेंस जो है, I have B O R N E born many difficulties. नंबर थ्री, She has gone for bridal, bridal makeup. तो she has gone for B R I D A L, bridal, bridal. तो पहला bridal, यानी she has gone for bridal makeup. वो bridal makeup, यानी दुल्हन के श्रृंगार के लिए चली गई. तो चौथा है, कैन यू डाइडाइज दिस हॉर्स. तो फिर दूसरे में ये लगेगा बी आर आई डी एल ई, ब्राइडल, यानी कैन यू ब्राइडल दिस हॉर्स, क्या आप इस घोड़े को लगाम लगा सकते हो. फिर नंबर पांच पर, व्हाट इज योर डेट ऑफ डाइडाइश, कौन सा बर्थ लगेगा. देखिए, व्हाट इज योर डेट ऑफ, ये बर्थ लगेगा, नंबर वन लगेगा. तो
यानी हाँ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, BIRTH बर्थ, कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है। फिर नंबर सिक्स, आई गॉट ए बर्थ, BERTH बर्थ इन द ट्रेन, यानी यहां पे लिखा है बर्थ, तो ये दूसरे नंबर पर लगेगा। आई गॉट ए बर्थ इन द ट्रेन, ये बर्थ वो सोने की जगह, वो सीट जिस पर सोते हैं ट्रेन में, तो आई गॉट ए बर्थ इन द ट्रेन, मैंने ट्रेन में, रेल में, वो सीट जिस पर सोते हैं वो मैंने हासिल की। तो प्यारे बच्चों, आइए एक बार फिर अपने इस आंसर को दोहराते हैं। When, why are you born? BORN born. Number two, I have BORNE born, many difficulties. Number three, she has gone for BRIDAL bridal makeup. Number four, can you bridle 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 this horse? Number five, what is your date of birth? BIRTH birth. And number six, I got a birth, BERTH birth in the train. तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का 10वीं जमात की इंग्लिश क्लास का टॉपिक इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपके इंग्लिश से और एक टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।